सर श्री द्वारा रचित पुस्तकों एवं तेज ज्ञान के बारे में सुविख्यात लोगों के विचार और अनुभव। You know, first of all, I'll take this opportunity to thank all of you, everyone here in Pune and people who are from outside, all the dignitaries, all the youngsters. I would also like to thank the Tej Gyan Foundation and everybody here on the dais for inviting me. I'm thinking I'm good enough ki meri itni haisiyat hai ki main aap logon ke samne aakar prastut ho sakun, itni khoobsurat kitab aap logon ke samne pesh kar sakun. Actually, is kitab ki ek do khasiyat hai jo main aap logon ko batana chahunga. जैसा मैं बता रहा था कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो यही सोचता हूँ कि जो मैं करने जा रहा हूँ उसके अंदर कोई अच्छी बात है या नहीं, और मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मेरे पास खुद कुछ 15,000 या 20,000 किताबें मेरे पास घर में हैं, और मैं हर वक्त दिन में 3 किताबें एक साथ पढ़ता हूँ. एक मैं अपनी गाड़ी में पढ़ता हूँ जब काम पर जा रहा होता हूँ, एक मैं सोने से पहले पढ़ता हूँ, और एक आप ज़्यादा ना हंसे तो बताऊँ बाथरूम में पढ़ता हूँ. सो आई रीड ऑल 3 बुक्स, और मैंने बहुत सारी सेल्फ हेल्प और सेल्फ रियलाइजेशन की किताबें भी पढ़ी हैं, लेकिन इस किताब की एक यूनिकनेस है. हर किताब यही कहती है कि अच्छा सोचो, अच्छा दिमाग मिलाओ, अच्छे विचारधारा रखो, अच्छी विचारधारा रखो, लेकिन ये किताब के अंदर बताया गया है कि किस तरह वो विचारधारा आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है. हाउ कैन दिस बी क्रिएटेड फ्रॉम द इनसाइड. एंड द सेकेंड यूनिक क्वालिटी ऑफ दिस बुक इज कि ये सब कहना बहुत अच्छा है कि अच्छी विचारधारा रखो, लेकिन हमारे अराउंड इतनी नेगेटिविटी रहती है, हम हमेशा बुरे ख्याल इंसान को बहुत जल्दी आ जाते हैं. बट ये किताब के अंदर ये भी बताया गया है कि कैसे वो सेंटर को, वो सोर्स को टैप करके हम बुरे ख्यालातों से बचें. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई होनी चाहिए. मैं इस किताब में से 2 पंक्तियाँ आपको बताना चाहूँगा कि हमें लगता है कि विचारों वाला रावण ज़्यादा शक्तिशाली है, पर उसे ताकत कहाँ से मिलती है? उसे ताकत हमसे ही मिलती है, हमारी सोच से मिलती है. इस किताब में उस सोच, उस सोर्स को कंट्रोल करना सिखाया गया है. जैसा मैंने कहा कि सुबह उठते ही अच्छी थॉट्स सोचो, इस किताब में 2-4 लाइनें और ऐसी हैं जो मुझे लगता है हमको सोचने पर मजबूर करती हैं. इफ़ यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड इफ़ यू थिंक ओनली गुड थॉट्स, किसी के लिए बुरा मत सोचो, सिर्फ अपना अच्छा सोचो. मैं बड़ा सेल्फिश आदमी हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि अगर दूसरों का सोचने का मौका ना मिले, अपने लिए भी सिर्फ अच्छी बात सोचो. ये मत सोचो कि दूसरा हार जाए, ये सोचो कि मैं कैसे जीतूं. इट्स ओनली अ वे दैट यू कैन टर्न अराउंड द सेम थॉट. बिकॉज एज दिस बुक सेज, विश्व में किसी भी चीज के भौतिक निर्माण से पहले उसका विचारों में निर्माण होता है, विच इज ट्रू. आई बिलीव ऑल थिंग्स क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड आर क्रिएटेड बाय आवर ओन थॉट्स. जो विचार होश और जोश में किए जाते हैं वे ही हकीकत को बदलते हैं. दुनिया वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हो, दुनिया वैसी है जैसे आप हो. सो जो भी आपको कभी कभार दिल में आता है कि ये इंसान में से अच्छाई नहीं कर रहा है, ये घटिया है, ये बुरा है, ये जो सिचुएशन है अच्छी नहीं है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप अपना नज़रिया बदल के रात को सोने से पहले उसी आदमी के बारे में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसी सिचुएशन को एकदम नेगेटिविटी के बिना देखें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है. आपके अराउंड जो लोग हैं, दोस्त हैं या दुश्मन जिन्हें आप समझते हैं, वो एक्चुअली दुश्मन नहीं है. सो इट इज़ द वे यू थिंक ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड विल लुक टू यू, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस बुक. मैं जब छोटा था तो कैसा सोचता था, मैं सोचता था कि इतना बड़ा स्टार बन जाऊंगा. आई रिमेंबर मैंने टीवी में एक सीरियल किया था, आप लोग शायद बहुत सारे यहाँ पे छोटे, इन्होंने देखा नहीं होगा, एक फौजी सीरियल किया था मैंने. एंड पहली बार जब मैं सड़क में जा रहा था तो मैंने देखा 2 औरतें 3 व्हीलर में हैं, और सडनली उन्होंने मुझको देखा. मेरा नाम उस सीरियल में अभिमन्यु राय था, फौजी में, और सडनली उन्होंने मुझे देखा और मैंने नोट किया कि उनके मुंह पे इतनी बड़ी मुस्कान आ गई है मुझे देखते ही कि हाय शाहरुख, शाहरुख ऐसा करके वो चिल्लाने लगे. एंड टू मी द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ एंड द ग्रेटेस्ट डिज़ायर इन माई लाइफ बिकेम कि मैं लोगों को मुस्कुराने की रीज़न दे सकूँ, उनको मुस्कुराने का रीज़न दे सकूँ. तो जब मैं मुंबई आया, जैसे जवान लोगों के थॉट्स होते हैं कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत नाम कमाऊंगा, बड़ा घर करूंगा, मेरे दिमाग में 2 मेन चीज़ें इन सब मटेरियल चीज़ों के पीछे थीं. आज मेरे पास अल्लाह के फजल करम से सब है, लेकिन इन चीज़ों के पीछे, ये गाड़ी मांगने के पीछे, घर मांगने के पीछे, और मुझे लगता नहीं ये बुरा है. आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड इमेजिन ऑल द गुड मटेरियल थिंग्स दैट यू वॉन्ट, बट बिहाइंड देम देर 2 गुड थाट्स. 1, मेरे माँ बाप की डेथ हो चुकी थी, एंड मेरे दिल में एक ही अरमान था
कि अगर मुझे कोई बड़ा फिल्म फेयर का जैसा अवार्ड मिले तो वो मैं अपनी माँ की याद में अर्पित कर सकूँ. तो माई मेन ड्रीम वॉज दैट आई शुड विन द अवार्ड एंड बिकम सो बिग दैट माई मदर कैन सी मी फ्रॉम हेवन. मेरे दिल में ये था. और दूसरी बात ये थी कि जो भी मैं काम करूँ, जितने साल भी मैं काम करूँ, मैं लोगों को मुस्कुराने के रीजन्स देता रहूँ. सो माई थाट्स वर ऑलवेज वेरी पॉजिटिव. टूडे आई हैव अ बिग हाउस, आई एम अ बिग स्टार, आई मेक लॉट ऑफ मनी एंड लाइफ हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड टू मी एंड माई फैमिली. एंड बिफोर आई गो हैड आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल फॉर मेकिंग माई लाइफ सो वंडरफुल, बिकॉज इफ इट वॉजन फॉर यू पीपल इट वुडंट बी सो वंडरफुल. बट माई रीजन्स वर वेरी वेरी क्लियर कि आई विल डू दिस टू ब्रिंग स्माइल्स टू पीपल्स फेसेज एंड दैट्स द गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ. टूडे समटाइम्स आई डोंट नीड एनी ऑफ इट बट आई कीप वर्किंग डे एंड नाइट 20 hours a day. मेरे बेटे का जन्मदिन था और उसने कहा आप मेरे साथ नहीं हो. नहीं, मैंने कहा मैं काम पे जाऊंगा बिकॉज लोगों की मुस्कुराहट मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है. सो इफ़ यू हैव अ गुड रीज़न, इफ यू हैव अ गुड रीज़न, ऑल योर थॉट्स एंड बिलीव्स एंड एवरीथिंग दैट यू वांट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड विल कम थ्रू. ऑल्सो आई वॉन्ट टू मैंशन अ फ्यू इनिशिएटिव्स दैट द तेज ज्ञान फाउंडेशन हैज़ टेकन. मुझे लगता है ऐसे इनिशिएटिव्स, ऐसी बातें करने से, अच्छी बातें करने से, फैलाने से लोगों की सोचने का तरीका, नजरिया बदलता है. आइए अब जानें विचार नियम इस पुस्तक के बारे में लोगों के विचार और अभिप्राय. हैप्पी थॉट्स. मुझे लगता है कि ये जो पुस्तक सर श्री ने लिखी है ये 20वीं 21वीं सदी की क्रांतिकारी पुस्तक है. उसका कारण है क्योंकि अभी तक साइंस में जो लॉज थे या नियम थे उनके बारे में तो सबको पता था. मैकेनिकल, फिजिक्स, सभी में नियम है, केमिस्ट्री में भी नियम है, लेकिन विचारों के भी नियम हो सकते हैं. ऐसा सोचने का जो सर श्री ने किया और उसको उसका प्रचार किया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद. विचार नियम, आपकी कामयाबी का रहस्य. द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स. क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन प्रेम, शांति, सुख, संपन्नता से भरपूर हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छे लोग आएं, आपके सभी से मधुर रिश्ते हों? क्या आप चाहते हैं कि आपको संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो, आपका तन ही नहीं बल्कि मन भी निरोगी और खुशहाल हो? क्या आप चाहते हैं कि सफलता आप तक सरलता और सहजता से पहुंचे, आपकी यात्रा सरल, सुखद और सुरक्षित हो? क्या आप चाहते हैं कि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि पूरा विश्व सुख, शांति, प्रेम, आनंद और समृद्धि से संपन्न बने, हर जगह खुशहाली हो? तो विचार नियम इस पुस्तक की मदद से आप इन सारी चाहतों को हकीकत में बदल सकते हैं. इस पुस्तक से कुदरत के खास नियमों को जानकर आप भी अपने विचारों को दिशा देने में माहिर बन सकते हैं. इस पुस्तक में सर श्री द्वारा विचार नियम के 7 सूत्र बहुत ही सरल और सुलभ भाषा में बताए गए हैं, जिन्हें समझकर आप सफलता की उड़ान भर सकते हैं. विचारों के नियम जानकर आप अपने जीवन में जो चाहें वो पा सकते हैं. इस पुस्तक में दिए गए विचारों के नियमों को अपनाकर, अपने विचारों को सही दिशा देकर खुद को एवं पूरे विश्व को खुशहाल बनाएं. इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.gethappythoughts.org. इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और साथ ही हैप्पी थॉट्स चैनल को सब्सक्राइब करें. अपने विचार, अभिप्राय जरूर शेयर करें या आप हमें मेल भी कर सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है mail@tejgyan.com.